हाय एवरीवन दिस दिस इजनिका आज के टॉपिक में हम वल्चर्स के बारे में बात करेंगे वल्चर्स आप पहले भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ एक दवाई की वजह से अब वो कौन सी दवाई थी डाइक्लोफेनाक राइट right? एक ड्रग है इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई है अब एक और पेन किलर है निम्सोलाइट का नाम आपने सुना होगा वो भी वल्चर डेथ्स उसकी वजह से हो रही है इंडिया में स्टडी ऐसा बताती है तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू कैदो वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा देखिए ये जो न्यूज़ है और रिसर्च फाइंडिंग्स बताती हैं कि नई टॉक्सिक थ्रेट वल्चर्स को है गुजरात में Uh, इससे पहले मैं बता दूँ एक वीडियो मैंने प्रोजेक्ट वल्चर पे स्टडी आई क्यूपे बनाई थी तो वो काफ़ी डिटेल में बनाई थी वल्चर्स के बारे में कि किस तरह से uh, इस ड्रग की वजह से इनकी डेथ होती है उसको ऑल्टरनेटिव क्या है पार्सिस के ट्रेडिशन से वल्चर्स कैसे रिलेटेड हैं क्योंकि पार्सिस का अपना अलग कल्चर रहता है कि किस तरह से वो डेड बॉडीज़ को फाइनल जो राइट्स होते हैं वो करते हैं तो उसमें वल्चर्स की ज़रूरत होती है अब देखिए ये सब ट्रेडिशनल तरीका हो गया इकोसिस्टम हो गया इन्वामेंट या फूड चेन की अगर आप बात करें ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे एनिमल्स आते हैं प्रेडेटर्स बोल लीजिए जिस तरह से वल्चर्स हो गए ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और वैसे भी एक बैलेंस जो है वो बना रहता है अगर इनमें इनकी पॉपुलेशन में सडन डिक्लाइन होगा तो आप देखेंगे कि बाकी के एनिमल्स पे भी उसका असर देखने को मिलेगा तो काफ़ी वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया वल्चर का प्रोजेक्ट वल्चर पर डिटेल वीडियो बनाई और एक और वीडियो बनाई थी कि बांग्लादेश पहला ऐसा देश बन गया है जिसने जिन ड्रग्स से वल्चर की डेथ हो रही है उन्होंने उसको बैन कर दिया ओके तो अब ये एक नई न्यूज़ है इससे रिलेटेड कि पहले डाइक्लोफेनैक्स से हमने देखा स्टडी ने रिसर्चर रिसर्च ने बताया कि उसकी वजह से वल्चर्स की डेथ हो रही है अब है निम्सुलाइट ये एक वेटनरी पेन किलर ड्रग है जिससे वर्ल्चर्स की डेथ हो रही है ऐसा नई स्टडी बता रही है ये स्टडी कहाँ पब्लिश हुई है लेटेस्ट एडिशन है जो आपका इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल इन्वामेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च में वहाँ पे यह पब्लिश हुआ है अब इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या है वर्ल्चर्स का नंबर जो पॉपुलेशन है वो पहले ही डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी नाइन्टी स्पीशीज़ जो हैं इंडिया में वो डिक्लाइन हो गए पॉपुलेशन इतना कम हो गया और ये पूरा मसला जो है नाइन्टीन से चल रहा है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है बर्ड का पॉपुलेशन 1990 से 2007 तक Uh, इनका जो नंबर है अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जैसे कि अलग अलग टाइप्स हैं ओरिएंटल वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स तीन ये डिक्रीज हुए नाइनटीन मैसिवली विद नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द स्पीशीज हैव है वाइप्ड आउट नाइन्टी नाइन परसेंट आप समझते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में से नाइन्टी नाइन परसेंट एनिमल्स का बर्ड्स का ख़त्म हो जाना तो ये इसका एक बैकग्राउंड है अब देखिए ऑलमोस्ट नाइन स्पीशीज़ जो हैं वल्चर के वो इंडिया में पाए जाते हैं तो तीन स्पीशीज़ uh, मैंने आपको बता दिए टाइप्स बता दिए जिनका नाइन्टी नाइन परसेंट पॉपुलेशन कम हुआ है अदरवाइज इंडिया में ऑलमोस्ट नाइन स्पीशीज़ है वॉल्चर के जो इंडिया में रहते हैं पाए जाते हैं लेकिन अब इस बर्ड को डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई है रीसेंट कुछ सालों में रीसेंट कुछ डेकेड्स में और इसका रीज़न क्या है मैं मेंशन कर चुकी हूँ मेडिसिन डाइक्लोफेनैक ये रीज़न है वेटनरी डाइकलोफोनैक्ट जो है वो पॉपुलेशन population, तीन पॉपुलेशन इनका नाम आप देख लीजिए कौन से स्पीशीज़ हैं साउथ एशियन जब्स वल्चर हैं ये जिनका पॉपुलेशन इसकी वजह से कम हुआ है अदरवाइज देखिए जो वल्चर्स पाए जाते हैं इनके साथ में यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखे हैं और इनका पिक्चर भी यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं और आई स्टेटस कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट नाइन वल्चर्स जो इंडिया में पाए जाते हैं ये इंडेंजर ऑफ ग्रोफॉन वल्चर है ये लीस्ट कंसर्न है बाकी सब का नियर थ्रेटन क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंडेंजर्ड इस तरह से इनका स्टेटस है ओरिएंटल और बैक बैक्ड वल्चर का डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन 99% नाइन परसेंट नाइन्टी परसेंट 1992 से 2007 के बीच में तो बहुत बड़ा लॉस है देखिए 1992 में इसका पॉपुलेशन 21,204 था फिर कम होते 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 2007 में आप देखेंगे सिर्फ 31 वन वल्चर्स आपके मिले तो काउंट डाउन आप देख सकते हैं अब डाइक्लोफिनक था पहले अब निम्सुलाइड स्टडी बता रही है कि ये भी डायक्लोफिनक की तरह ही एक्ट कर रहा है और टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके वल्चर्स पर देखे जा रहे हैं वेटनरी यूज में जहाँ पे हम निम, निम्सोलाइट को कंटिन्यू रखा है इसका यूज होता है और इससे वर्ल्चर्स सफर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये सजेशन ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर आप वल्चर्स को कंजर्व करना चाहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो अपने वेटनरी यूज जो है निम्सोलाइट का वो बैन करना होगा और ये स्टडी किसने की है किसने ये सजेशंस रिकमेंडेशंस दिए एक्सपर्ट्स हैं डिवीजन ऑफ एक्सोटॉक्सिकोलॉजी सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्नेथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड जिवदाया चैरिटेबल ट्रस्ट तो यहाँ पर यह भी है कि कौन लोग इसकी बात करें अब इसकी केस स्टडी की अगर हम बात करें गुजरात में टू थाउजेंड नाइनटीन में क्या हुआ फोर वाइट रंफ वल्चर्स जो हैं वो मरे हुए पाए गए इनमें से जो दो हैं वो एक रूस्टिंग साइड सानंद में पाए गए और जो दो हैं वो डेड मिले अनदर रूस्टिंग साइट है एक और वाइल्ड एस सेंचुरी वहाँ पे वाइल्ड एस सेंचुरी ध्रान ध्रानघाधरा में जब इनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया इनकी बॉडीज़ पे तो साइंटिफिक वा एनालिसिस के थ्रू ये पता चला कॉम, कॉम्बूर में ये किया गया कि इनके ऑर्गन्स में किडनी लिवर इंटेस्टाइन गट कंटेंट्स में टॉक्सिसिटी पाई गई यानी ये जो इनका जो भी ये विसरल एनालिसिस हुआ इन ऑर्गन्स पे हुआ और उससे इन्होंने कंक्लूड किया कि इन वल्चर्स को निम्सुलाइट का एक्सपोजर हुआ है क्योंकि वल्चर्स देखिए ये क्या करते हैं डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं अब जो डेड एनिमल्स हैं सपोज कोई लाइफ स्टॉक किसी का मर गया बीमार था उसको दवाई दी जा रही थी किसी का लाइफ स्टॉक है वो बीमार है उसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले गए और उसको निम्सुलाइट दिया जा रहा है लेकिन बाद में वो लाइफ स्टॉक जो है एनिमल नहीं बच पाया वो मर गया और उसके डेड बॉडी को साइड पे फेंक दिया या जंगल में कहीं फेंक दिया तो वल्चर्स क्या करेंगे उस डेड बॉडी पे फीड करेंगे अब उस डेड बॉडी को ट्रीट किया गया था निम्सुलाइट से तो जब वल्चर्स इस तरह के कैरकैसेस पे फीड करते हैं तो वो मर रहे थे ये कंक्लूजन उन्होंने देखा कि निम्सुलाइट थ्रू कैरकैसेस कैरकैसेस हो गए आपके डेड बॉडीज ऑफ कैटल ओके तो जो वल्चर्स इन पे कंज्यूम कर रहे थे वो मर रहे थे और ये भी ऐड किया गया यूरिक एसिड डिपॉजिट्स उन्होंने देखे जो क्रिस्टल्स हैं या पाउडर है वो ऑब्जर्व किया गया इंटरनल ऑर्गन्स में कौन से इंटरनल जिन पे ये एनालिसिस किया गया था पोस्टमार्टम किया गया था उनमें किडनी लिवर इंटेस्टाइन गट कंटेंट्स में उनको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स पाउडर्स जो है वो उन्होंने अब्जर्व, अब्जर्व इन चार के चार वर्ल्च में ऑल इंटेंसिटी अलग अलग थी देयर फोर यहाँ पर ये कंक्लूजन हुआ कि यूरिक एसिड डिपोजिशन विसरा में चारों वल्चर्स पे थी पोस्टमार्टम के टाइम पे और एलिवेटेड लेवल्स जो है निम्सुलाइड रेजिड्यूज उनके ऑर्गन्स में मिले और गट कंटेंट में भी मिले जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी डेथ के ये 2019 की स्टडी ने ये सब चीज़ें ऐड की अब पॉलिसी मेकर्स जो हैं पॉलिसीज़ जो हैं उसमें क्या चैलेंजेस हैं अब इंडियन गवर्नमेंट ने अगर आप देखेंगे रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले कि इंडियन गवर्नमेंट ने आठ ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं वल्चर्स के वो सेटअप किए हैं एंड एट मोर इस तरह के जो सेंटर्स हैं अंडर नेशनल वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान 2020-25 इस पे डिटेल वीडियो है उसके अंदर काफ़ी सारे कंजर्वेशन सेंटर्स ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं वल्चर्स के लिए वो खोले जाएंगे लेकिन जो ये वेटनरी ड्रग्स की वजह से टॉक्सिसिटी वल्चर्स को हो रही है उस पर कोई भी कदम अच्छे से या पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई है उसको चेक करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है जो लेटेस्ट नेशनल वल्चर सर्वे है उसको दो बार एक तो पोस्टपोन हो गया मार्च में मार्च 2021 में 2020 में भी और 2021 में भी कोविड की वजह से क्योंकि पैंडमिक में वो नहीं कर पाए तो आप देख रहे हैं कि ठीक है गवर्नमेंट एक्शन प्लान में काफ़ी काम कर रही है वल्चर को कंज़र्व करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं कंजर्वेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं लेकिन जिन ड्रग्स से प्रॉब्लम हो रही है उस तरफ कुछ खास चेकिंग जो है वो नहीं की जा रही इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2006 में बैन डाइक्लोफेनाक को बैन किया गया लेकिन अभी भी 10 टू 46 सिक्स परसेंट पेन किलर्स जो हैं जो लाइफ स्टॉक ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में यूज़ होती हैं दस से फोर्टी टेन टू फोर्टी उनमें आपका डाइक्लोफेनाक यूज़ किया जाता है क्योंकि पॉलिसीज तो हैं रूल्स रेगुलेशंस तो हैं लेकिन उनका एनफोर्समेंट बहुत वीक है इम्प्लीमेंटेशन वीक है अनदर लीगली अवेलेबल वेटनरी ड्रग है आपका एक्लोफेनाक और ये भी रैपिडली मेटाबोलाइज होके डाइक्लोफेनाक में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको कैटल को दिया जाता है अब अनदर वेटनरी ड्रग टॉक्सिक जो वल्चर्स के लिए डाइक्लोफेनाक एक्लोफेनाक उसके बाद अब आपका आ गया निम्सुलाइड ये एक और अब देखिए पॉलिसी मेकर्स ऑलरेडी पहले वाले ड्रग्स को तो ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाए पॉलिसी तो बना दी तो भी फिफ्टी परसेंट फोर्टी सिक्स परसेंट यूज़ हो रहा है तो अब ये नया ड्रग भी ऐड हो गया लिस्ट में तो इसमें क्या किया जाएगा ये हम देखेंगे अब देखिए किस तरह के इनिशियेटिव और लिए गए हैं अब एक ऑल्टरनेटिव ड्रग यहाँ पर सजेस्ट किया गया है मिलोक्सी कैम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा कैटल ऑनर्स के लिए कि इसको यूज़ करें और इंडियन गवर्नमेंट इस ड्रग को कोऑल्टरनेटिव डैक्लोफेन का मान रही है बरेली बेस्ड इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आई इन्होंने ऑलरेडी इस तरह के कन, आ, सेफ्टी टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करना शुरू किया है वेटनरी ड्रग्स और ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स और हम यूज़ कर सकते हैं जैसे इबोप्रोफेन हो गया एनलाजिन हो गया पैरासिटामोल हो गया इन सब पे सेफ्टी टेस्ट किए जा रहे हैं कि क्या ये वर्चर्स के लिए सेफ़ हैं या नहीं निम्सुलाइड भी उनमें से एक है तो अब इस पूरे मसले का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो उसका सल्यूशन भी हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि अब हमने प्रॉब्लम रिकोग्नाइज़ कर दिया कि वर्ल्चर्स के साथ क्या हो रहा है तो ओबियसली यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की अगर आप कोई ड्रग बैन कर रहे हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए जो ऑलरेडी रेगुलेशन हैं उसको इंप्लीमेंट अच्छे से करो ताकि बैंड ड्रग्स का ना हो लोकल ड्रग कंट्रोलर जो हैं या इंस्पेक्टर हैं वो ये इंश्योर करें कि केमिस्ट ये बैंड ड्रग्स विदाउट प्रॉपर प्रस्क्रिप्शन किसी को ना दे। मोर देन बैन बैन से ज़्यादा अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई लोग आके इस तरह के ड्रग्स की डिमांड भी ना करें जिनका हार्मफुल इम्पैक्ट पे होता है क्योंकि इकोलॉजी को कंजर्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब देखिए जो ड्रग्स सेफ हैं वॉल्चर्स के लिए जैसे टोलफिनिक एसिड इसको सून रिकमेंडेशन में डाला जाएगा वेटनरी यूज़ के जिसका इक्वल इफ़ेक्ट जो बाकी के ये ड्रग्स हैं जो वल्चर्स के लिए सही नहीं है इसका इफेक्ट भी उतना है बट लेट्स वेट फॉर द रिकमेंडेशंस कि गवर्नमेंट की तरफ से वेटनरी डॉक्टर्स की तरफ से रिसर्चर्स की तरफ से क्या रिकमेंडेशंस आती हैं जब तक कि सभी के सभी सेफ्टी टेस्ट्स जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए वर्ल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम यो आर रेयरली सीन नाउडेज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वर्ल्डर्स पहले कंट्री साइड में इंडिया के बहुत ज़्यादा पाए जाते थे लेकिन अब नहीं दिखते हैं तो ये किस वजह से है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट्स क्या उनकी नेस्टिंग साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं इन्वेसिव स्पीशीज़ की वजह से जो ड्रग है जो कैटल ओनर्स यूज़ करते हैं बीमार कैटल को जानवरों को ट्रीट करने के लिए खाना नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपर जिस पे जिस फूड पे वो डिपेंड करते हैं या फिर कोई डिजीज़ है जो वल्चर्स में फैल रही है आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी फॉर यू बट आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है एंड यू शुड बी रेडी फॉर इट अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कुछ और भी पूछा जा सकता है ऑल्टरनेटिव ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए अदरवाइज टेलीग्राम पे आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए ये क्विज वहाँ पर मैं डाल दूँ पोल बना के राइट आंसर आपको वहाँ दिख जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं जो नीचे नंबर्स दिए हैं उन पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच